वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। शिवराज जी, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? क्या लाडली बहनों को देंगे? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए, उस विकास की विजय है। ये विजय समाज के हर वर्ग के जो कल्याण के काम किए हैं, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, भांजे भांजियों के कल्याण के काम और माता बहनों के सशक्तिकरण का जो अभियान चला, जिसकी एक कड़ी थी लाडली बहना योजना, ये उन कामों की जीत है। ये अटल विश्वास है मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता का भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। ये उन कार्यकर्ताओं की विजय है, ये विजय गरीबों की विजय है जी, किसानों की विजय है जी, नौजवानों की विजय है, माताओं बहनों की विजय है, भांजे भांजियों की विजय है। शिवराज जी, बीच में एक बार ऐसे हालात बन गए थे कि आपको लोगों से ही पूछना पड़ गया सभा में कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, तो क्या आपकी जीत में केंद्रीय नेतृत्व का ज्यादा योगदान रहा? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने चमत्कार किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को भी प्रणाम करता हूं। हमारे अचूक रणनीतिकार श्रीमान अमित शाह जी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। उनकी रणनीति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे चुनाव के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी का परिश्रम और योजना, और परिवार के मुखिया की तरह आदरणीय शिव प्रकाश जी का प्यार और मार्गदर्शन, अश्विनी वैष्णव जी का स्नेहपूर्ण समर्थन, और इसके साथ साथ हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारे सारे नेता, हम सब मिलके चुनाव लड़े। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में जी, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे रहे। चौहान साहब, कमलनाथ भी बीच में एक बार कह रहे थे कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, फिर जनता ने उन्हें मौका क्यों नहीं दिया? क्या लाडली बहनों के लिए जो आपकी योजना थी उसने सारी बाजी पलट दी कांग्रेस के लिए? अगर सच्चे मन से जनता की सेवा करो तो सेवा असर करती है। पूरा मध्य प्रदेश जो हमारा परिवार है, उसके भाई और बहनों ने अपना परिवार समझ के, अपना समझ के, क्योंकि नेता और जनता नहीं, पूरा प्रदेश परिवार हो गया, उन्होंने अद्भुत प्यार दिया है। मैं आभारी हूं मेरी देवी तुल्य बहनों का। हम जहां जाते थे उनका प्यार उमड़ता था, वो स्नेह से आशीर्वाद देती थी, और न केवल आशीर्वाद देती थी, भावुक हो जाती थी और कहती थी, भैया अपन ही जीतेंगे, मेरी बहनों अपन जीत गए। भांजे भांजियों का ऐसा प्रेम मिलता था, मामा मामा कह के पुकारते थे तो रोम रोम पुलकित हो जाता था। ये उन भांजे और भांजियों के प्रेम की विजय है। शिवराज जी, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आज तो आपको बधाइयों का तांता लगा है, और खास बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान को अब ये भी देखना है कि
बहनों के बीच में मामा को दोबारा उसी पद पर जगह मिलती है या नहीं।